27 फरवरी को गाजीपुर के बिरनो टोल प्लाजा पर शव का दाह संस्कार कर वापस आ रहे बस से टोल को लेकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। इसके बाद पीड़ितों से तोड़फोड़ के मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपया टोल प्लाजा कंपनी के खाते में जमा भी कराया गया और मामला खत्म हुआ। लेकिन बाद में पीड़ित के द्वारा शिकायत करने पर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। वहीं थाना अध्यक्ष और टोल प्लाजा के मैनेजर के खिलाफ बिरनो थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। वहीं अब इस मामले में टोल प्लाजा के मैनेजर का बयान सामने आया है, जो इस मामले को लेकर क्या बताया, आइए सुनते हैं। ये घटना जो है 27 फरवरी 2024 की रात 12:30 बजे की है, जिसमें 2 बसों के द्वारा टोल ना देने को लेकर विवाद किया जाता है। टोल प्लाजा पर मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट की जाती है, जिसमें 5 लोग गंभीर जख्मी भी हुए थे, जिनका हमने मेडिकल भी कराया हुआ है। और उसके अलावा वहां पर लगे वो सरकारी उपकरण जो टोल प्लाजा को संचालित करने के लिए जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, उनमें जम के तोड़फोड़ की जाती है। अनुमानित तौर पर लगभग 5 लाख रुपए का इसका नुकसान होता है। हमारे द्वारा इससे संबंधित थाने में एप्लीकेशन दी जाती है और FIR दर्ज कराने की बात कही जाती है। लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा जो भी तोड़फोड़ हुई उसकी मुआवजा राजी खुद से कहने पे और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुझे व्यक्तिगत फोन करके FIR ना लिखाने की बात को करते हुए मुआवजा राशि देने के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसको कंपनी के अकाउंटेंट के अकाउंट के में डाला जाता है। लिखित समझौता थाना परिसर में होता है और दोनों पक्ष चले जाते हैं। उसके बाद पुनः 5 मार्च 2024 को SP गाजीपुर महोदय के सामने पेश होकर अपने आप को पीड़ित बताते हुए झूठी बातों को आधार बनाकर FIR दर्ज की जाती है, जिसमें थाना अध्यक्ष महोदय बिरनो और मेरे खिलाफ FIR दर्ज होती है। ये पूरी घटना है और इसमें मेरा प्रशासन से एक निवेदन है कि इसमें निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और जो निर्दोष है उनको न्याय मिले। इतना मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि इस सत्य को समाज के सामने जरूर लाइए, ताकि किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो।